मैं आज आपको कुछ रिवील करने वाली हूँ। भाई बहुत मजा आया। कंप्लीट कर ली ये वाली भी और वो वाली। गाइस ये देखो, ये रहा हमारा इजिप्टियन सिटी। हमें इजिप्ट जाने की जरूरत ही नहीं है। अरे गाइस ये देखो, अमिताभ बच्चन से भी लंबे लंबे लोग। मम्मी यार मेरे यहाँ पे बहुत बड़ा फैन मिला है। चलो देखते हैं। मुझे अपने दिल की बात लोगों से कहनी थी। बोल बोल। गाइस मैंने एक नया वर्ड सीखा, बताऊं क्या? थैंक यू। टेल मी हाउ इट वाज। आज हम जाएंगे कहां? यूनिवर्सल स्टूडियो। तो यूनिवर्सल स्टूडियो बहुत सारी राइड्स करेंगे ऐसे। हां वहां पे बहुत, और राइड पे उल्टियां करेंगे। उल्टियां मैं तो नहीं करूंगी, तुम सोच लो अपना। टाटा। तो गाइस कैसा लग रहा है मेरा बर्थडे आउटफिट? ये बहुत नहीं गाइस, इसका बर्थडे आउटफिट यहाँ है। तो गाइस अभी हम लोग राइड्स पे जा रहे थे, अभी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बर्थडे आउटफिट रिवील हो गया। अब सारे डिजाइनर्स कॉपी कर लेंगे इसको, है ना? हम लोग का उल्टा है। ये देखो ये ग्रीन है। अंदर क्या? तो गाइज मैंने मेकअप कर लिया है, बड़ा ही पिंकी पिंकी। एंड अभी मैं सोच रही हूँ ना, मैं अपने हेयर्स में भी ये छोटू छोटू लगा दूँ। तो गाइज मेकअप डन, हेयर स्टाइल डन, गंजा हो रहा हूँ यार मैं। और गंजी चुड़ैल। गाइज मैं आज आपको कुछ रिवील करने वाली हूँ। जो इंस्टाग्राम पर चलती है ना गंजी चुड़ैल, वो मेरी आइडिया। यस आई क्रिएटेड गंजी चुड़ैल, आई एम द ओनर ऑफ गंजी चुड़ैल। Welcome back to my channel. कितने दिन बाद बोल रही हूँ, because I'm very sick. ये रहे मेरे बर्थडे नेल्स, ये रहे मेरे बर्थडे ब्रेसलेट, ये रहे बर्थडे हेयर स्टाइल, ये रहा बर्थडे मेकअप, ये रहा बर्थडे आउटफिट। ये देखिए गाइस, कुछ राक्षस लोग बॉटल से ही पी लेते हैं। ग्लास नहीं है ये, है नहीं कप। अरे मम्मी कितनी प्यारी लग रही हो यार। अरे कसम से बर्थडे है ना। अरे नागिन को देखो, पूरा हरा हरा नागिन वाला मेकअप किया है। हमारा मेकअप बहुत अच्छा हुआ यार। ठीक है दवा खा रही है। हाँ दवा तो 2 बज गया यार, दवा खा रही है। देख लो गाइस सिंगापुर आई और दवे पे चल रही है। 2 बज रहा है बिकॉज मेरे पैर कांप रहे हैं, हाथ भी कांप रहे हैं। पीते पीते जिसके हाथ कांपते हो। कॉपीराइट है, निकाल दो। क्यूट आउटफिट कैसा लग रहा है गाइस कमेंट्स में बताना। लेट्स गो। आई 10th फ्लोर पे आ गए हम। 11th पे मत जाना। 11th का बहुत खूबसूरत एक राज है। अच्छा यस। अरे ये क्या है भाई, ये क्या था? तो गाइस हम लोगों को हमेशा की तरह लेट हो चुका है एंड अभी हम लोग टैक्सी ढूंढ रहे हैं। ये बताइए आपको सिंगापुर का क्या अच्छा लगा? अभी यार दूसरा दिन है, अभी कैसे बताएं। पानी कितने का मम्मी? बताएं कितने का? $3 $3 का है, मतलब कि ऑलमोस्ट 300 रुपए का इतना छोटा सा हमारा वाटर बॉटल है भाई। 300 रुपए में तो वहाँ पे इतना गैलन भर के आ जाए पानी हमारा। तो गाइस फाइनली कैब आ चुकी है। नाउ लेट्स गो। बंद हो जा सिम। इतनी बारिश में हम जा रहे हैं राइड पे। वाह पता चला भीग जाएंगे यार राइड करते करते। यार ये सिंगापुर का मुझे एक चीज ये भी बड़ा एक वो लगा कि यार यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और कभी भी हो जा रहा है, कभी भी। तो फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं। ओह वाह जायंट आइसक्रीम भाई ऊपर देखो। अरे यार कितना प्यारा लग रहा है यार ये। वाह यार अच्छा आइसक्रीम लटका हुआ है पूरा, वो देखो वहाँ पे बिग जायंट आइसक्रीम है। यार अभी से ही ना इतनी एक्साइटमेंट बढ़ गई है, अभी अंदर जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। वैसे हम अंदर ऑलरेडी आ गए, देखो यहाँ बहुत सारे लोग फोटोज क्लिक करा रहे हैं एंड हम भी ना भागे भागे बस देख रहे हैं कि यार कब ये खाली हो के हम भी अपनी फोटोज क्लिक करें। लेकिन वो खाली नहीं हो रहा है। गाइस हमने फाइनली एंट्री ले ली है यूनिवर्सल स्टूडियो में। और भाई साहब ये तो पूरा लग रहा है अलग दुनिया ही बना दिया है यार, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पता है कॉन्सेप्ट वाइज है, एक जगह इजिप्ट है, एक जगह पूरा न्यूयॉर्क है, एक जगह पूरा हॉलीवुड वाला थीम वाला है। चलो देखते हैं एक्सप्लोर करते हैं। वैसे तो हम काफी लेट है तो हम सोच रहे हैं पहले राइड से स्टार्ट करें क्योंकि घूम तो कभी भी लेंगे। वाओ
सेलिब्रिटी कैफे एंड बेकरी। भाई हम तो राइड करने आए थे, ये कासल कहाँ से आ गया? वाओ कितना खूबसूरत है। वाओ सो एक्साइटेड। गाइज अभी हम ये वाला गेम खेलने वाले हैं। तो गाइज दीदी जा रही है बड़ा ही गंदा गेम खेलने। यार ये छोटी बच्ची जीत गई, तुमको भी जीतना। सुनो दो दो बॉल चला जाएगा तो एक बॉल मिल जाएगा ना, वो वाला। यार वो चाहिए प्लीज दीदी। नहीं चाहिए चाहिए, आराम से आराम से, भगवान का नाम ले लो आराम से। अरे यार once more। अरे यार किसी काम के लायक नहीं है ये। यहाँ पे जो थोड़े थोड़े शॉपिंग मॉल्स है, कुछ मिनियंस बेस्ड है, कुछ हेलो किटी बेस्ड है, तो हम वो सब एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं यार, कितना पिंक पिंक है पूरा हेलो किटी। ओ भाई साहब ये देखो भाई, ऐसा धक धक हो, ये लो ये चीखे दिख रही है आपको, ऐसी चीखे अभी हमारी निकलने वाली है। एक राइड के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। हमारे पास रबर बैंड नहीं था, यहाँ पे सारी लड़कियां जल्दी जल्दी अपने बाल बांध रही हैं, तो मैंने अपना ब्रेसलेट निकाल के ब्रेसलेट से बाल बांधा है और दूसरा वाला ब्रेसलेट इसको दिया है ताकि ये अपना बाल बांध ले। देखो ये ब्रेसलेट है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? दिख रहा है? मेरी बाल का गंजापन ना दिख रहा है, बिकॉज आई एम गर्ल छुड़ा लू। देखो बच्चा कितना क्यूट है। भाई यार हमारा नंबर आ चुका है, अब जाएंगे। मम्मी बैठिए, दीदी उस पर जाने वाली है, मैच पे जाऊंगी। बाय यार। ओके। फोन इन द पॉकेट। गाइस हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते ऑफ कोर्स। शिट। गाइस हमारी ये वाली राइड कंप्लीट हो गई और ना हमें ना मेन मौके पे भूल गया कि आप फोन नहीं निकाल सकते। फोन निकालेंगे ना फोन आपका गिर सकता है, फोन पॉकेट में रख लिया। फोन पॉसिबल ही नहीं था, हमने सोचा था। हां यार हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए, लेकिन बहुत मजेदार था। ये देखो श्रेक का हैंड कितना छोटा है हमारा, ये देखो। ये किसका है? अच्छा डंकी का पैर है ये। ये क्या है भाई? ये आई थिंक एलिफेंट का है, मुझे डोनट का है। कौन हूँ मैं? प्रगति वर्मा। मैं वो है प्रगति, वो कृति वर्मा। हाँ हाँ, कैसे हो? मैं अच्छी, आप? मैं एकदम मस्त। आज मेरा बर्थडे, जाने के लिए, और इसमें देखते कितना वेटिंग टाइम है। यार ये तो इसमें मम्मी को आने चाहिए था, स्कैरी नहीं है, स्कैरी है, स्कैरी है, जाने दो यार। अरे बंद है यार, ये क्या है? कितना तगड़ा आए हम लोग, एंट्रेंस ही बंद है। वहाँ पे गेट पे कोई बताया भी नहीं है, चले आ रहे हम लोग कितने चौड़ में। हे भगवान यार, ये तो बंद था रास्ता, अबे जा तो रहे हैं लोग इधर से। गाइस अभी हम लोग आए थे यहाँ पे, और ये देखो इसके यहाँ पे गेट जो बंद है उसके हाँ। अंदर जाना था हम लोग को, हम लोग यहीं से देख के चले गए। ये देखो यहाँ से हमको ऐसे मुड़ना था। गाइस वो बच्चा रोने लगा, इतना खतरनाक राइड था ये देखो, उसका भी आंसू निकलते निकलते हो गया। और ये देखो पीछे हमारे कितने सारे कोरियन कपल, और पता नहीं मैक्सिको कोरियन नहीं क्या है, कहाँ क्या है साथ ही में बैठेंगे बहन। हाँ बाबरे मेरे को बीच में बैठना है, हटो अरे यार ये वाली राइड इतनी सिंपल थी, इतनी सिंपल थी। मम्मी ना पहली वाली राइड में बैठ के डर गई, तो अब हमारे साथ आ नहीं रही है, लेकिन इसमें उनको आना चाहिए था। हाँ ये मम्मी के लिए था, बहुत नॉर्मल था, और अंदर से इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, हमने देख लिया था। हाँ। बच्चा रो रहा है, ये वो है, इसीलिए वो हम भी डर गए कि मम्मी को नहीं ले जाते हैं। भाई यार एकदम रियलिस्टिक लग रहा है, देखो उसका आँख, ये देखो डिटेलिंग इसकी। गाइस नेक्स्ट राइड हम वो करने वाले थे, लेकिन इसमें बहुत लंबी लाइन लगी, तो हमने सोचा हम लोग इसके सामने वाली राइड एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कम टाइम लगेगा। हमने ना सीट बेल्ट बांध लिया है, क्योंकि बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि हम बच्चे वाले राइड में आ गए। गाइस उस लाइन से डर के हम लोग बच्चे वाले लाइन में आ गए। क्या है भाई ये वो करते हैं? गाइस यार हम लोग को पता ही नहीं था कि ऊपर जाने के लिए बटन प्रेस करते हैं। नीचे बैठे थे, अब देखो अभी हम लोग नीचे, अभी हम लोग ऊपर आए हैं, वरना हम लोग नीचे टाइम खत्म, हम लोग अभी मटक गए अभी। ओ
कब उड़ेगा यार, टाइम वेस्ट हो गया। हम सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर, हम सब से सोच रहे हैं ऊपर कब जाएगा। अरे यार, अरे यार कट गया, यहाँ पे भी कट गया, वहाँ पे भी कट गया। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही। गाइस नेक्स्ट वाला थोड़ा थ्रिलिंग लग रहा है। मैं चप्पल निकाल के जाऊंगा क्योंकि हवा में लहराना है हम लोगों को, और मैंने पहना है ये क्रॉक्स। पता है क्या होगा हमारे साथ, अभी देखना, बिल्कुल अभी देखना। अभी नेक्स्ट हम लोग जाएंगे इस वाले पे। अरे हो गया, हो गया, हो गया। चप्पल निकालो, चप्पल निकालो, चप्पल निकालो। ये थोड़ा था जानदार, ये थोड़ा सा था, मतलब लेवल हाई था। अपने चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो गाइस अब आ चुके हैं हम अपने इजिप्टियन सिटी में, और यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं इजिप्ट के कुछ। अरे डमलक का। गाइस ये देखो, ये रहा हमारा इजिप्टियन सिटी। हमें इजिप्ट जाने की जरूरत ही नहीं है। अबे ये मम्मी है की घड़ियाल है, पता नहीं। अरे गाइस ये देखो, अमिताभ बच्चन से भी लंबे लंबे लोग, कितने लंबे हैं ये। ये मुझे क्यों देख रहा है, क्या मुझे खाना है? मम्मी क्यों देख रहे हैं? इस पे राइड करने के लिए हमें चाहिए एनर्जी, तो एनर्जी के लिए हमने लिया है चुरोज, और अभी हमसे खो गए। इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई। ये देखो स्टार, स्टार तो यहाँ है। कैसा है आप बताइए, कैसा है? मम्मी रिव्यूइंग चुरोज फॉर द फर्स्ट टाइम। ये तो हम भी बना लेंगे, गॉड रियल होने वाला है। अच्छा अच्छा है ना, बना लेंगे आप, हम भी बना लेंगे। गाइस गाइस गाइस, मैंने इसको डिच कर दिया, मैं नहीं जाने वाली उस खतरनाक झूले पे, क्योंकि मैंने एक लड़के को वहाँ पे देखे, देखो वो रेड वाला, उसका हाथ अभी तक कांप रहा है, तो आई एम डिचिंग इट। भाई पूरा उल्टा हो जा रहा है दीदी, जा जल्दी यार, काश मैं फोन लेके जा सकता, लेकिन बाय बाय बाय। गाइस मैंने इसको कन्विंस कर लिया, और अब हम जा रहे हैं। बारिश होने लगा यार, जल्दी चलो, बंद हो जाएगा। लेकिन हम पकड़ के ले गए और मजा आ गया। पूरा हो गया था। हम ऐसे थे, ऐसे कर दिया हवा, था हवा में ऐसे उल्टा लटके हुए थे भाई। बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। हमने ये दोनों राइड कंप्लीट कर ली, ये वाली भी और वो वाली भी। हमारी इतनी खतरनाक चेकिंग हो रही थी कि लाइक फोन या फिर कुछ भी, मतलब छोटा मोटा वॉलेट वॉलेट भी नहीं होना चाहिए, वरना टक हो जाता। वाओ मजा आ गया। गाइस अब आ चुके हैं हम लोग इस, कौन सा राइड है, डमरू राइड पे। लेट्स सी कैसा होता है ये। हाँ जिसमें लोगों को मजा नहीं आ रहा ना, बस उसी में रिकॉर्डिंग अलाउ हो, क्योंकि वो सिंपल सा इजी सा है ना। कैसा लग रहा है? बहुत तेज है गाइस, बहुत तेज है, बहुत तेज है, देख सकते आपको भाई। ये क्या था, मजा ही नहीं आया यार। अच्छा लगा ना यूनिवर्सल स्टूडियोज, रात को इतना सुंदर लग रहा है, दिन में मतलब आप राइड करने आओ यहाँ पे, और रात में नजारा एंजॉय करने आओ। अब हम घर के लिए निकल रहे हैं, फिर घर जाके बाबू का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, केक काटेंगे। थक के चूर चूर हो चुके हैं, बैठ के जा रहे हैं। ये देखो कमर टेढ़ा हो गया भैया घूम घूम के। नाउ लेट्स गो टू होटल एंड वहाँ पे छोटा सा केक कट करेंगे। मम्मी यार मेरे यहाँ पे बहुत बड़ा फैन मिला है, आई मिलते उससे, और आई सोचा नहीं था यार यहाँ पे भी आके मुझे मेरा इतना बड़ा फैन मिल जाएगा। आप किस फैन के बारे में बात कर रहे थे? गाइज ये देखो, अगर हम 5 मिनट और लेट होते ना, तो हमारी केक की शॉप भी बंद हो जाती। तो हमने केक ले लिया सक्सेसफुली, और इसने कुछ शॉपिंग भी कर लिया है। क्या लिए? बर्थडे गिफ्ट। बर्थडे गिफ्ट मैंने लिया है, ये नेकलेस मैंने दिया है, मेरी तरफ से बर्थडे गिफ्ट समझ के रख लेना। अच्छा, कोई इधर से कह रहा है, कोई इधर से कह रहा है। ये है एक नेकलेस जो तुमको ज्यादा पसंद है, वो मेरी तरफ से है, और इसमें दो क्यूट क्यूट इयररिंग। नहीं नहीं नहीं, अभी बर्थडे में एक घंटा बचा है, ये देखो। तो गाइज मैंने ना बहुत ही बड़ा सा बर्थडे केक लिया है, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे बर्थडे में, क्योंकि यहाँ पे 12 बज चुका है, और अभी को आया है मेरा केक, जो कि है बहुत ही छोटा सा, बिल्कुल मेरी तरह। तो गाइज हमने केक वेक कट कर लिया है, इसने केक कट कर लिया है, और इसकी फोटो शूट चल रही है, जो कि मैं कर रही हूँ जग जग के, क्योंकि इसने मेरा किया था। तो अभी हम जा रहे हैं सोने। बाय गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। हाय कहाँ है ये जानने के लिए आपको अगला व्लॉग देखना पड़ेगा। बाय। Yeah!